आज की वीडियो में बात राम मंदिर पर हुए विवाद में मीडिया की भूमिका को लेकर करते हैं। राम मंदिर का मुद्दा इन दिनों काफी सुर्खियों में रहा है। अब देखते हैं कि दोनों तरफ के मीडिया में राम मंदिर के विषय में क्या चर्चा है और सवाल किससे हो रहे हैं। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की। वह अपनी वीडियो के जरिए राम मंदिर जो नया विवाद सामने आया है उस पर विपक्ष द्वारा साजिश बता रहे हैं। 10 साल पहले दो लोगों के बीच एक जमीन को लेकर समझौता हुआ कि 2 करोड़ में ये जमीन बेची जाएगी। हालांकि उस वक्त जमीन नहीं बेची गई और इसी समझौते के तहत 10 साल बाद ये जमीन पुरानी तय कीमत यानी 2 करोड़ रुपए में बेच दी जाती। ये समझौता होता है कुसुम पाठक और रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के साथ। जो शख्स ये जमीन खरीदता है यानी रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी, वो कुछ मिनट के भीतर ही ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। राम मंदिर के लिए जमीन में जो घोटाले का आरोप लगा है उसकी पूरी कहानी यही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि इसमें घोटाला हुआ है, चंदे के नाम पर अधर्म हो गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब मैदान में कूद पड़े हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से राम के नाम पर सियासी चाल चली जा रही है। इसके अलावा रिपब्लिक भारत के डिबेट में भी इसे विपक्ष द्वारा की जा रही साजिश ही बताया जा रहा है। पर इस मामले की क्या सच्चाई है इसको लेकर कोई सवाल नहीं हो रहे। जो निर्णय होना था वो कोर्ट ने लिया, उसके बाद अगर कोई स्कैम है हुआ है तो सामने लाना चाहिए, लाइए, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन ये नहीं कि अब से लेके और 2022 नहीं 2024 तक आप, क्योंकि राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा है, छोड़िएगा नहीं, उसको पकड़ के रखिएगा और 2024 तक इसी पे और किसी बात पे बात ही नहीं होगी। लोगों को क्या मिला क्या नहीं मिला, सरकार ने क्या प्रॉमिस किया था क्या दिया, कुछ नहीं, सिर्फ इसी पे बात होगी। क्यों? इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि यूपी में चुनाव से ठीक पहले राम के नाम पर सियासत क्यों और कौन करना चाहता है। पूछता है भारत कि क्या जमीन घोटाले का आरोप लगाकर 2022 की चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है क्या आम आदमी पार्टी। अगर हाँ तो साफ साफ बताए कि हम इसलिए कर रहे हैं। अगर अन्य गोदी मीडिया चैनलों की बात करें तो वो भी विपक्ष पर ही उंगली उठा रहे हैं, पर ये मुद्दा तो विपक्ष ने ही उठाया है और विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है और मीडिया उल्टा विपक्ष से ही सवाल कर रहा है। और सवाल ये है कि क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साजिश हो रही है। अगर आपने मेरा सवाल नहीं सुना है तो मैं रिपीट कर देती हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साजिश हो रही है। मैं साजिश की बात कर रही हूं और उसके पीछे एक वजह है। वजह है पिछले 3 दिनों से 2 करोड़ 18 करोड़ वाले एग्रीमेंट, रजिस्ट्री जैसे शब्द सुन सुनकर जहन में यह सवाल आने लगा है। 1 रुपया चंदा नहीं देंगे और चंदे पर सवाल उठाएंगे। 1 रुपया चंदा दिया आपने, आपने कितना चंदा दिया मुझे बताइए ना पांडे जी, कितना चंदा दिया ट्रस्ट में? भगवान प्रभु राम पूरे हिंदुस्तान के हैं, हम सब पांडे जी चंदा नहीं देंगे, चंदे पर सवाल उठाएंगे। अब बात उस मीडिया के एंकरों की करते हैं जो सरकार से हर मुद्दे पर सवाल करते हैं। रवीश ने राम मंदिर के विवाद पर अपनी वीडियो में बात की और सरकार पर सवाल भी उठाए। राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने का एक मामला सामने आया है जिसके कई किरदार मामला सामने आने के बाद सामने नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो सौदे में शामिल कई किरदार मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे। जिस मंदिर का भूमि पूजन सबके सामने हुआ, एक एक बात पूरे देश को बताई गई, उस मंदिर के लिए जमीन के मामले से जुड़े ये किरदार पर्दे के पीछे क्यों छिपे रहे। याद होना चाहिए कि इसी मंदिर के भूमि पूजन के वक्त प्रधानमंत्री साष्टांग हो गए थे। उस भूमि से प्रधानमंत्री को गए 1 साल भी नहीं हुए हैं कि ऐसी खबर आई। तालाबंदी से आर्थिक तबाही झेल रहे भारत के लिए यह दृश्य आध्यात्मिक उन्नयन के समान था, वरना लोग अस्पतालों और उनके भीतर ऑक्सीजन वेंटिलेटर के इंतजाम के ऐसे दृश्य की भी मांग करते और महान बताते। हर तरह से पवित्रता सुनिश्चित की गई थी, इसके बाद भी जमीन के एक सौदे पर सवाल उठ गया है। इस मुद्दे पर बात वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजम ने भी की और उन्होंने अपनी वीडियो में कुछ जानकारियां भी दी और सरकार पर सवाल भी उठाए। और वो 2 करोड़ की जमीन खरीदने वाले, उन्होंने कैसे उस जमीन का पेपर तैयार करके रखा कि सही मौके पर उसका इस्तेमाल 18.5 करोड़ में बेचने में हो गया। और अगर यह हुआ तो क्या राम मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्टी और वो सारे सदस्य
क्या उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? सवाल यह पूछा जा रहा है क्योंकि राम मंदिर के लिए जो चंदा भक्तों ने दिया, राम मंदिर निर्माण की आकांक्षा पालने वाले लोगों ने दिया, उनकी भावनाओं के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? सवाल यह पूछा जा रहा है, जवाब क्या मिल रहा है? जवाब मिल रहा है कि यह सवाल पूछने वाले रामद्रोही हैं, यह सवाल पूछने वाले राम के दुश्मन हैं, यह सवाल पूछने वाले वो लोग हैं जो मंदिर के खिलाफ हैं, यह सवाल पूछने वाले वो लोग हैं जिन्होंने चंदा नहीं दिया। इस मुद्दे पर अहम सवाल वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी उठाए। उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ कानून को लेकर जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में एक कानून काम करता है, यूपी भूमि विक्रय कानून। इसका खुले तौर पर उल्लंघन हो गया। इसलिए उल्लंघन हो गया क्योंकि यह नियम बहुत साफ कहता है कि अगर सर्किल रेट और बाजार रेट, इसमें से जिसका भी रेट ज्यादा होगा, उसी के जरिए आप भूमि की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, क्योंकि उसी कीमत पे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री का मतलब यह होता है जब किसी भी चीज की रजिस्ट्री होती है तो उससे राजस्व का लाभ स्टेट को होता है। अब जो दो रजिस्ट्री कराई गई, 2 करोड़ और 18.5 करोड़ में, सवाल यह नहीं है। इस बीच में वो कहेंगे सौदा तो 2011 में हुआ था, बढ़ते बढ़ते 2021 में इसकी कीमत इतनी हो गई, तो हम इस दिशा में क्यों जाएंगे? सवाल कानूनी है। सवाल यह है कि जब आप विक्रय भूमि विक्रय कानून को देखेंगे तो उसमें जो भी व्यक्ति सर्किल रेट या बाजार रेट से कम कीमत पर रजिस्ट्री कराता है तो वह कानूनी दायरे में आ जाता है। अयोध्या के जो भी ADM रेवेन्यू है या जो भी सब रजिस्ट्रार है उनको तो तत्काल निलंबित कर दिया जाना चाहिए। राजस्व का घाटा आप किसे पहुंचा रहे हैं? स्टेट को पहुंचा रहे हैं, और स्टेट के जरिए ही आपकी कमाई और आपको नौकरी मिली हुई है। राज्य सरकार का भी यही काम है। इस दिशा में कोई देखने को तैयार नहीं। राम मंदिर को लेकर जो भी विवाद है ये जांच का विषय है, और जांच के बाद साफ हो सकता है कि कौन सही है। आपको क्या लगता है कि किस मीडिया ने इस मुद्दे को सही से बताया? आप भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।